टाइम। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एयरपोर्ट्स पर टिकट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है और हम सभी लोग अधिकतर एयरप्लेन से ही ट्रैवल करते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप कैसे इजीली और कन्वीनियंटली सस्ती टिकट्स बुक कर सकते हैं एयरप्लेन की, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं गाइस। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस अगर आप इसका सलूशन ढूंढ रहे हैं तो उसका इस चीज़ का सलूशन हमारे पास है गाइस। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि ईज माई ट्रिप, गोवा बीबो और कुछ और कंपनीज अपना मार्केटिंग और रेपुटेशन बढ़ाने के लिए कुछ ऑफर्स या सेल्स प्रमोट करती हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो इसमें ये कंपनीज अपने जो एयरप्लेन टिकट्स होते हैं उनको कुछ चीप प्राइस पर सेल करती है विद द हेल्प ऑफ प्रोमोशंस और प्रोमो कोड्स। तो गाइस आज मैं आपको इसी टाइप का एक तरीका बताऊंगा जिससे आप एक सिटी से दूसरी सिटी कन्वीनियंटली, चीपली, विदाउट टेंशन गाइस ट्रेवल कर सकते हैं। और गाइस इस ये मेथड बहुत ही इजी है गाइस, इसमें कोई रिस्क नहीं है गाइस, ये एकदम फुल प्रूफ मेथड है। तो गाइस इसके लिए मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेके जाऊंगा जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ईज माई ट्रिप से कैसे चीप टिकट्स बुक करना है और आप इस पे देख पाएंगे कि आप अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं गाइस। तो देखते रहें। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अपन लैपटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं और गाइस मैंने यहाँ पे एक कस्टम सर्च कर दिया है जिसमें मैं अहमदाबाद से इंदौर की टिकट 12th of March के लिए देख रहा हूँ गाइस। तो अब जैसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, ये easymytrip.com करके एक वेबसाइट है इस पे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 955 का इसका बेस फेयर है जिसको इसने एक अपने आप ऑटोमेटिक डिस्काउंट लगाकर 676 कर दिया। अब गाइस क्या होता है ना कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो कुछ ना कुछ कन्वीनियंस फी चार्ज करती है। ठीक है, तो गाइस इस वेबसाइट की एक खास बात है कि या तो आप इसमें कुछ ऑफर लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गाइस एक 279 का ऑफर है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट एक्चुअली जो कि मुझे आज तक मिला है। और गाइस यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कि आप इसमें जीरो कन्वीनियंस फी का भी ऑप्शन लगा सकते हैं, मतलब आपको जो नेट प्राइस पे करना है वो बेस फेयर के बराबर है, मतलब 955 रुपीज़ ही आपको टोटल नेट प्राइस पे करना है। अब गाइज अगर आप बुक नाउ लगाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर डिस्काउंट मिल जाएगा 279 रुपीज़ का। और गाइज जो क्लियर सॉरी ये जो ईज माई ट्रिप डॉट कॉम का जो कन्वीनियंस फी है वो 269 रुपीज़ का है, मतलब अगर आप ये वाला कूपन लगाएंगे तो ये जो टिकट है ये आपको 945 रुपीज़ की पड़ेगी। अब गाइज यहाँ पे जो थर्ड ऑफर देता है दैट इज EMT लाउंज एक्सेस। तो गाइज इसने कुछ एयरपोर्ट्स मेंशन करे हैं जैसे कि अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर, मुंबई और बहुत सारे कुछ एयरपोर्ट्स हैं। तो गाइज यहाँ पर क्या है कि ये एक ऑफर प्रोवाइड कर रहा है जिसमें 1500 तक का जो आपका लाउंज एक्सेस है वो फ्री है। बट गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला ऑफर ना लेके बुक ना हो लें, बिकॉज गाइज जो लाउंज एक्सेस है वो रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड और पेटीएम का जो आपका सेविंग्स अकाउंट डेबिट कार्ड आता है उस पे फ्री रहता है। अगर आप गाइज पेटीएम अकाउंट का डेबिट कार्ड जो है सेविंग्स बैंक का अगर आप वो बनवाएंगे तो वो 125 रुपीज़ में वन टाइम चार्जेस है, उसके बाद हर ईयर वो 100 रुपीज़ लेता है फॉर रिन्यूअल। बट गाइज उसमें एक ऑफर ये है कि आप हर 3 महीने में 2 बार फ्री लाउंज एक्सेस एयरपोर्ट्स पर पा सकते हैं उस कार्ड से। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो कार्ड ले लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब गाइज जैसे अगर आपने यहाँ पे बुक नाउ वाला ऑफर चूज कर लिया है तो अब आपको नीचे जाना है। पहले तो आपको यहाँ पर जितने भी इंश्योरेंस है इनको ऑफ कर देना है, जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है आई डोंट वॉन्ट टू इंश्योर माई ट्रिप। और फिर गाइज आपको यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डाल देना है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे सैम्पल ईमेल एड्रेस डाला है। आप कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका डिटेल्स पूछेगा। तो जैसे कि गाइज अभी मैंने यहाँ पे ऐसे ही सडनली कुछ भी नेम डाल दिया है। ओके गाइज अब आप यहाँ पे अपना मील ऐड कर सकते हैं अगर आप कुछ वहाँ पे ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, जैसे कि छोले चावल, स्मोक ऑलमोंड्स वगैरह वगैरह, तो गाइज आप वो डाल ले सकते हैं गाइज, है ना। तो अब गाइज अगर तो गाइज जैसे मैं अभी तो मील नहीं ले रहा हूँ। अब गाइज यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, जैसे अभी सैंपल में मैंने कुछ भी मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। अब गाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सी सीट चाहिए। ये गाइज बहुत अच्छा फीचर है इस वेबसाइट का।
तो अब जैसे कि गाइस यहाँ पे कुछ प्राइस कैटेगरी है, जैसे कि गाइस अगर आप फ्रंट सीट्स लेंगे तो उसका 350, 250 ऐसा कुछ चार्जेस है। तो अभी गाइस मैं फ्री सीट चूज कर रहा हूँ। अब गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड करी अपनी सीट, और अब गाइस ये मेरे को बोल रहा है कंटिन्यू बुकिंग के लिए। तो जब मैं कंटिन्यू बुकिंग करूँगा तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल फेयर है वो 945 रुपीज़ हो गया है, जो उसकी कन्वीनियंस फी 269 रुपीज़ है। अब गाइस क्या होता है कि अगर अपन कोई भी दूसरी वेबसाइट से इसको कंपेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है गाइस, क्योंकि गाइस दूसरी वेबसाइट क्या करती है कि 955 तो उसका बेस फेयर रहता ही है, बट गाइस जो अपना कन्वीनियंस चार्ज है, जैसे कि जो आपका मेक माई ट्रिप है वो अराउंड 300 रुपीज़ चार्ज लेता है। तो गाइस ये सब करके वो सिर्फ डिस्काउंट 150 रुपीज़ मैक्सिमम देते हैं, और गाइस जो उनका मीन्स जो टोटल अमाउंट है वो आपका 1000 अबव चले जाता है गाइस, 1100, 1200 के आसपास चले जाता है गाइस। तो गाइस दिस इज़ द बेस्ट चॉइस जो आप ले सकते हैं गाइस, जिसमें आपका सिर्फ 945 रुपीज़ में एक एयरप्लेन टिकट बुक हो जाएगी गाइस। और गाइस ये गाइस बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है, इससे मैं काफ़ी बार ट्रैवल कर चुका हूँ गाइस, इसमें कोई इशूज़ नहीं आते हैं गाइस। और साथ ही साथ गाइस अगर आप UPI वगैरह से पेमेंट करेंगे तो आपको इसमें 25 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो गाइस आप ये ज़रूर ट्राई करें, और गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।